जी गुड इवनिंग, मैं हूँ मिस्टर अंकुश बड़ियाल कैमरामैन लियाकत के साथ। आज हम खड़े हैं महाराजा हरि सिंह ब्रिज जो कि जीवल और विक्रम चौक को जो अटैच करता है। ये जम्मू का मेन ब्रिज माना जाता है इसको। जम्मू की खूबसूरती जो है वो आप सब लोग इसको पहचानते हैं, जानते हैं। इसके बीचों बीच एक तवी नदी है जिसे हम बहुत ही समानता देते हैं, बहुत ही उसे मानते हैं। भगवान का रूप हम इस तवी नदी को देते हैं। साथ में हमारे सामने जो है यहाँ पे सामने ही बाबा माता जी का मंदिर है और लोग बाबा माता जी को दर्शन के लिए जम्मू तवी नदी के ब्रिज से यहीं से माथा अक्सर टेक लिया करते हैं। आज का मुद्दा मेरा दोस्तों ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, हमने ये नोटिस किया है, आप सबने भी किया होगा, कुछ लोग क्या करते हैं आते जाते यहाँ पे गाड़ियाँ रोकते हैं। यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग होती है गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद अपना जो गंद का लिफाफा होता है या कुछ भी होता है, मंदिर का सामान, कुछ पूजा का धूप, अगरबत्ती, फूल पुराने, ये वो सब कुछ जो है वो तवी नदी में जो है डाल दिया करते हैं। देखिए हालत जो तवी की आज आप देख सकते हैं, इसका तवी नदी का पानी की तरफ देखिए आप, अगर तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी जो है तवी नदी के पानी में आपको मिल रही है। आप देखिए इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इंडिया ने आज से 3-4 साल 5 साल पहले पीएम मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का एक नारा चलाया था कि पूरे देश को हमने साफ रखना है, लेकिन उसमें ये बात तो नहीं कही थी कि हमें पानी को गंदा कर देना। इस पानी पे जिंदगी चलती है, इसी पे पूरे लोग जीते हैं। आप हमें बताइए क्या इसे साफ नहीं होना चाहिए, इसे गंदा क्यों बना के रखते हैं लोग? जो भी आता है थैला उठाते हैं। आप फोकस कीजिए, नीचे देखिए पानी में क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ है, गंद लिफाफे पानी में जो भी है, फ्लावर्स ये वो, लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद गंद आके डाल देते हैं इसमें। क्या इसमें जिंदगी जी रहे कुछ जीव नहीं है क्या? मछलियां हैं यहाँ पे, सब कुछ है। आप अगर पढ़ते हो बायोलॉजी में आपको सिखाया जाता है कि पानी में एक्वेटिक एनिमल्स को गंद की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप खुद बताइए, यही पानी फिल्टर होके पूरे जम्मू को मिलता है पीने के लिए, और उसी पानी को हम क्या करते हैं पूरे दिन गंद जितना भी है हम उसी में सारा का सारा डालते जाते हैं। ये हमारे जम्मू तवी जो है ये जम्मू की एक तरह की शान है। ये मेन ब्रिज है हमारा जो विक्रम चौक से जीवल को अटैच करता है। आप खुद हमें इस बात का रिस्पॉन्स दीजिए, क्या ऐसा गंद होना चाहिए? क्या ये स्वच्छ भारत अभियान को शोभा देता है? क्या इसे साफ नहीं होना चाहिए? अगर साफ होना चाहिए तो क्या लोगों को अवेयर होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए? अगर लोगों को अवेयर होना चाहिए तो आप में से जम्मू में जितना भी यूथ रहता है, कोई ही लोग होंगे जो इलिटरेट होंगे, क्या वो इस बात से नहीं जानते कि पानी में गंद फेंकना गलत बात होती है? क्या उनको इतना मालूम नहीं है कि पानी गंदा हो रहा है, हमें गंद जो है वो पानी में नहीं फेंकना? रही बात दूसरी, अगर वो लिटरेट हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या उन्हें भी ये बात पता नहीं है? क्या इसे हमें स्वच्छ बना के रखना है ताकि आने वाली ज़िंदगी और ये जो चल रही है हमारी ज़िंदगी, इसे और स्वच्छता मिले? क्या उन्हें अच्छा पानी पीने के लिए मिले, या जो एक्वाटिक एनिमल्स उसमें जी रहे हैं वो भी अच्छे से अपनी लाइफ सर्वाइव करें? अगर गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना है तो क्या लेना चाहिए? अगर तवी नदी पे लोग फिर भी गंद फेंकते हैं, तवी नदी के पुल से अपना लिफाफा जो है नीचे फेंक देते हैं, कुछ भी इलाके गंद जो है नीचे पानी में फेंक देते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या क्या एक्शन जो है गवर्नमेंट कर सकती है? उन्हें करने चाहिए, अच्छे अच्छे मुद्दे जो हैं वो उठाने चाहिए ताकि इस पानी को बचाया जा सके गंदगी से। देखिए अगर ये जो ब्रिज है अगर देखा जाए इसको, तो इसमें पॉट्स लगाए हुए हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए हैं ताकि ये खूबसूरत लगे दिखने में, और अगर ये खूबसूरत लग भी रहा है तो इसे और गंदा क्यों करते हैं लोग? आप बताइए गवर्नमेंट को, जहाँ तो यहाँ पे कोई एक दो एम्प्लॉय जो म्यूनसिपलिटी से हों या ट्रैफिक से हों जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे होते हैं, क्या वो लोगों को नहीं रोक सकते हैं कि यार यहाँ पे गंद नहीं फेंकना है? क्या यहाँ पे और शुरू होते ही जो बोर्ड अगर इन 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 पोल्स पे लगाए जाते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लगाया हुआ है, क्या ऐसे बोर्ड यहाँ पे 3-4 और नहीं लग सकते जिसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ हो कि तवी नदी में यहाँ से अगर कोई गंद फेंकता है तो उसको जुर्माना हो सकता है,
या देखिए अगर यहाँ से मैं देखूँ तकरीबन 10 पोल जो है वो इस ग्रिड पे लगे हुए हैं इस तरफ से, और 10-20 पोल उस तरफ से लगे हुए हैं। अगर इन सारे पोल्स में एक एक बोर्ड लगा दिया जाए कि अगर तभी नदी के अंदर कोई ब्रिज से गंद फेंकता हुआ नज़र आता है उसे जुर्माना हो सकता है और इस पे कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। अगर कोई यहाँ पे ड्यूटी देता है, मान लो अगर कोई ट्रैफिक वाला यहाँ हमेशा खड़े रहते हैं ट्रैफिक वाले, उन्हें भी लोगों को रोकना चाहिए और या फिर गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ पे जो जाले होते हैं लोहे के वो थोड़े से प्लॉट कर दिए जाएं ताकि लोग जो हैं वो गन थ्रो ना कर पाएं ऊपर से। ऐसे ऐसे एक्शन जो हैं गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को और हमें जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं या ये पानी यहाँ भी जाता है, जाता तो इंसानियत के लिए ही है, उनको भी अच्छा और साफ पानी मिले पीने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं लोग किस तरह से पूछते हैं तभी नदी को सलाम करते हैं। वहाँ पे हमारे बाबे माता जी हैं उनको सलाम करते हैं ऐसे रोक के, तो वहीं पे सलाम करने के बाद उसी टाइम अपना गंद निकालते हैं और पानी में फेंक देते हैं। आज का मुद्दा हमारा यही था कि इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी निगरानी होनी चाहिए ताकि ये जो मुद्दा है इसे क्लीन किया जाए, तभी नदी को क्लीन किया जाए या फिर उन लोगों को रोका जाए जो इस गंदगी में हाथ बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा देश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बन सके, पानी हमें अच्छा मिल सके। क्योंकि आप बचपन से हमें सिखाया जाता है कि वाटर पोल्यूशन जो होता है उसे हमें नहीं करना चाहिए, वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ के पीछे हमें उन लोगों को रोकना है कि भाई इस तभी नदी में जो है वो गंद ना फेंके ताकि पानी जो है हमेशा स्वच्छ रहे, इसके अंदर रहने वाले जीव जो हैं वो भी अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएँ, और जिन्हें जो भी लोग इस पानी का यूज़ करते हैं पीने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उन्हें भी एक साफ़ सुथरा पानी जो है मिले। हम आपको यहाँ से जेडीए पार्क की तरफ नज़र डालते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से जो गंद है वो दीवार से उस तरफ को फेंक दिया जाता है और उसे वहीं पे आग लगा दी जाती है। हमने फोटोशूट किया हुआ है, आपको उसकी तस्वीरें मिल जाएंगी। क्या वो गंद बाहर सड़क पे कहीं डस्टबिन में नहीं डाला जा सकता? क्या उसे पिक नहीं कर सकते म्यूनसिपैलिटी वाले? क्या उसे उस तरह से देश स्वच्छता नहीं होगी देश में? क्या जम्मू कश्मीर साफ नहीं रहेगा? ऐसा लोग क्यों करते हैं कि अगर गंद जो है वो सीधा आके तभी नदी में डाल दिया या किसी भी नाले में डाल दिया, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए और एक्शन लिया जाए। यही हमारा आज का मुद्दा था। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे JK UT अपडेट से। मिस्टर अंकुश बड़ियाल, कैमरामैन लियाकत चौधरी, धन्यवाद।